सर्वप्रथम पूरे भारतवर्ष को ही नहीं अपितु पूरे संसार को एक स्वर्णिम दिन की शुभकामनाएं, क्योंकि आज के दिन 5 अगस्त को भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में उनके मंदिर का भूमि पूजन शुरू हो चुका है। और अब आते हैं दोस्तों, आज की वीडियो का जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि भगवान श्री राम का मंदिर ही नहीं अपितु अपने देश में और विदेशों में भी ऐसे कई हिंदू मंदिर हैं जो विख्यात हैं पूरे विश्व में। आइए आज इन पर एक नज़र डालेंगे और बताएंगे इन मंदिरों के बारे में आपको। हमारी आज की लिस्ट में जो सबसे पहला मंदिर है वो है काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी। भगवान काशी यानी शिव की जो नगरी है वो है काशी। काशी विश्वनाथ मंदिर भारत के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। सन 1780 में अहिल्याबाई ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर में ऐसी आस्था मानी जाती है कि इस भोलेनाथ के दर्शन से लोगों को पापों से मुक्ति मिल जाती है। हमारी आज की लिस्ट में जो दूसरा मंदिर है वो है पद्मनाभा स्वामी मंदिर केरल। दोस्तों ये जो मंदिर है ये भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है, या फिर कह सकते हैं भारत का सबसे अमीर मंदिर है। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में कराया गया था और ये भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है। भगवान विष्णु को इस मंदिर का राजा समझा जाता है और त्रावणकोर के जो शासक थे उन्होंने अपनी सारी संपदा भगवान को समर्पित कर दी थी। और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में कभी भी कोई विदेशी हमला नहीं हुआ है। आज की लिस्ट में जो हमारा तीसरा मंदिर है वो है वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी मंदिर, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। तिरुपति बालाजी मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से और धनी मंदिरों में से एक है। यह मंदिर देश का दूसरा सबसे अमीर मंदिर है। इस मंदिर का जो निर्माण है वो कृष्णदेव राय के शासनकाल में हुआ था। और हमारी लिस्ट का जो आज अगला मंदिर है वो है भगवान जगन्नाथपुरी ओडिशा। ओडिशा के पुरी का जो मंदिर है जगन्नाथ मंदिर, ये 4 धामों में से एक है। यहाँ की भगवान जगन्नाथ की यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण 22वीं सदी में हुआ था। आज की लिस्ट का जो अगला मंदिर है वो है वैष्णो देवी मंदिर जम्मू। देवी का यह मंदिर एक शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ को समर्पित यह मंदिर देश का दूसरा सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर पहाड़ की चोटी पर स्थित है। हमारी लिस्ट का जो आज अगला मंदिर है वो है सोमनाथ मंदिर गुजरात। सभी 12 ज्योतिर्लिंग में से सोमनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग सबसे पहले आता है। मान्यता यह है कि भगवान शिव के अभिशाप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने मंदिर का निर्माण करवाया था। सोमनाथ मंदिर पर कई बार आक्रमण हो चुका है। हमारी लिस्ट का जो अगला मंदिर है वो है कामाख्या देवी मंदिर असम। असम में कामाख्या देवी का यह शक्तिपीठ काफ़ी प्रसिद्ध है। यह 51 शक्तिपीठों में सबसे पुराना शक्तिपीठ है। यह शक्तिपीठ तांत्रिक उपासना के लिए विख्यात है। हमारे लिस्ट का जो आज अगला मंदिर है वो है सिद्धि विनायक मंदिर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का यह सबसे बड़ा और प्रसिद्ध गणेश मंदिर है। यहाँ राजनेता, फिल्मी सितारे और बड़ी संख्या में आम लोग भगवान गणेश के दर्शन करने आते हैं। गणेश उत्सव में इस मंदिर में हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। इस मंदिर का निर्माण 1801 में किया गया था। आज की लिस्ट में जो हमारा अगला मंदिर है वो है शिरडी साईं बाबा मंदिर महाराष्ट्र। इस मंदिर की गिनती भी सबसे धनी मंदिरों में से होती है। शिरडी में साईं भगवान की जन्मभूमि पर है। इस मंदिर में अलग अलग धर्मों के लोग मंदिर में साईं बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। हमारी आज की लिस्ट में जो अगला मंदिर है वह महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन। यह स्वयंभू ज्योतिर्लिंग मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में बना है। हर सुबह महाकाल की भस्म आरती काफ़ी प्रसिद्ध है। विशेष अवसरों पर महाकाल के दर्शनों के लिए काफ़ी भक्त यहाँ पर आते हैं। आज की लिस्ट में जो हमारा अगला मंदिर है वो है अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया। या पहला विदेशी मंदिर हमारी लिस्ट में है। दुनिया में अगर कहीं सबसे बड़ा मंदिर है तो वह है कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर। इस मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में कंबोडिया के खमेर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। मंदिर करीब 500 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। हमारी लिस्ट का जो अगला मंदिर है वो मलेशिया में है। श्री सुब्रमण्यम स्वामी देवस्थान। श्री सुब्रमण्यम स्वामी देवस्थान मलेशिया की राजधानी कुआलालपुरम में स्थित है। इस मंदिर में भगवान मुर्गन के रूप में सुब्रमण्यम स्वामी की प्रतिमा स्थापित है। यह मंदिर दुनिया में भगवान मुर्गन की सबसे ऊंची प्रतिमा को दर्शाता है। हमारी लिस्ट में जो अगला मंदिर है वो है मुर्गन मंदिर ऑस्ट्रेलिया। विदेश में भगवान मुर्गन का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में साउथ वेल्स के पहाड़ों पर बना हुआ है।
यह मंदिर का निर्माण 1994 में भारतीय मूल के एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक ने करवाया था। ऑस्ट्रेलिया में यह मंदिर सिडनी के मुर्गन नाम से प्रसिद्ध है। हमारे लिस्ट में जो अगला मंदिर है वो है स्वामी नारायण मंदिर लंदन। लंदन में बने स्वामी नारायण मंदिर की देखभाल श्री बोचनवासी अक्षर पुरुषोत्तम संस्था करती है। यह मंदिर का उद्घाटन 1995 में हुआ था। इस मंदिर के निर्माण में जिन पत्थरों का प्रयोग किया गया है उससे पहले किसी भी हिंदू मंदिर में नहीं हुआ है। हमारी लिस्ट का अगला जो मंदिर है वो है श्री वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर, वो है इंग्लैंड में। यह मंदिर भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की 12 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित है। यूरोप में भगवान वेंकटेश्वर का यह पहला मंदिर है। और जो हमारी लिस्ट में अगला मंदिर है वो है श्री स्वामी नारायण मंदिर, अटलांटा में है, जो कि अमेरिका में स्थित है। लंदन के अलावा स्वामी नारायण संप्रदाय का यह मंदिर अटलांटा अमेरिका में स्थित है। यह हिंदू मंदिरों में सबसे हिंदू मंदिर जितने भी हैं उनमें से सबसे विशाल मंदिरों में से एक है। अगला जो हमारा मंदिर है वो हमारे पड़ोसी देश पशुपतिनाथ मंदिर जो कहलाता है, पड़ोसी देश काठमांडू नेपाल में है। नेपाल के काठमांडू में स्थित यह शिव मंदिर पुराने हिंदू मंदिरों में से एक है। पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव की 1 मीटर ऊंची 4 मुंह वाली प्रतिमा स्थित है। विश्व में 2 पशुपतिनाथ मंदिर प्रसिद्ध हैं, एक नेपाल के काठमांडू में और दूसरा भारत के मंदसौर में। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। पशुपतिनाथ मंदिर केदारनाथ मंदिर का आधा भाग माना जाता है। और जो हमारा अगला मंदिर है वो है मुनीश्वरम मंदिर श्रीलंका। श्रीलंका में मुनीश्वरम मंदिर भगवान शिव को समर्पित प्राचीन मंदिरों में से एक है। रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम ने यहाँ भगवान शिव की आराधना की। दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। और आज मैंने इस वीडियो में लगभग 18 मंदिर आपको बताए जो भारत में और भारत के बाहर स्थित हैं, जो कि हिंदू मंदिर हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लाइक करिएगा इस वीडियो को और कमेंट करके बताइएगा आपको किस मंदिर के बारे में पता था और आज आपको किस मंदिर के बारे में जानकारी मिली है। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने जीवन का ऐसे आनंद लेते रहें। धन्यवाद।